एमबीए करें, मास्टर्स करें ग्लोबली कहीं अब्रॉड जाके, या लेवल वन परस्यू करें सीएफए का, अपना जीआरई जीमैट दो एंड गो इन फॉर अ बिग टाइम एमबीए, बिग टाइम मास्टर्स इन फाइनेंस। कोई छोटे कॉलेज जाने का ड्रीम करना भी बुरी चीज़ है। अपनी कैंडिडेट क्वेरीज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ग्रेजुएट होने वाले हैं, अगर हमें आगे फाइनेंस में करियर बनाना है तो एमबीए करें, मास्टर्स करें ग्लोबली कहीं अब्रॉड जाके, या लेवल वन परस्यू करें सीएफए का, प्लीज़ एडवाइस करो। आइए डिटेल में बात करूँगा। एक बार दोबारा अपने ऑप्शंस को कंसिडर करिए। आपने कहा या तो हम फॉरेन जाएंगे वर्सेस या तो हम सीएफए लेवल वन करेंगे। एक बार सोच के देखो, एप्पल्स टू ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं हो गया? अगर मैं आपको ये बोलूं कि या तो मैं अभी रसमलाई खाने वाला हूं, ऑप्शन नंबर टू, या तो मैं सो जाने वाला हूं, आपको नहीं लगता ये ऑप्शंस ही कंपेरेबल नहीं थे? आई शुड हैव सेड ईदर आई विल प्ले और आई विल स्लीप, और आई शुड हैव सेड दैट ईदर आई विल कंज्यूम रसमलाई और आई विल कंज्यूम गुलाब जामुन, तब कंपेरेबल होते ना। ये तो ऑप्शंस ही कंपेरेबल नहीं बैठे। सो माई एडवाइस इज सिंपल, इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू योर करेंट डोमेन देन सिंपली परस्यू अ मास्टर्स इन योर डोमेन। मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस के डोमेन में कुछ करना चाहते हो तो फिर तो एक प्रेफर्ड कंट्री चूज करो, एक प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी चूज करो, जीआरई जीमैट का एग्जाम वगैरह लिखो एंड दैट्स इट। गेट योर मास्टर्स डन, डू अ सेटल्ड जॉब, डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस में अच्छी जॉब्स हैं, वही करके और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है फाइनेंस में। बट इफ द प्लान इज टू गेट इन टू फाइनेंस देन फॉलो दिस टू स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर वन, एक सॉलिड जॉब पकड़ो इंडिया में। स्टेप नंबर टू, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेते रहो और साथ साथ में अपना जीआरई जीमैट दो एंड गो इन फॉर अ बिग टाइम एमबीए, बिग टाइम मास्टर्स इन फाइनेंस। कोई छोटे कॉलेज जाने का ड्रीम करना भी बुरी चीज़ है। सो मैंने क्या बोला, स्टेप नंबर वन सॉलिड जॉब, स्टेप नंबर टू सॉलिड एमबीए। एक प्रॉब्लम आएगी इसमें, पता है क्या? व्हाई विल यू एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बी ऑफर्ड अ सॉलिड जॉब इन फाइनेंस? Why will you as a computer science student be offered a solid master's in finance program? Answer बहुत simple है। अपने profile को थोड़ा सा build करना पड़ेगा towards these two things। Meaning ये दोनों के दोनों challenges को एक single तरीके से address किया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त knowledge और accreditation लो, CFA, FRM वगैरह करो। अपनी skills पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से work करो, financial modeling और valuation के practical programs करो। These are my 2 cents for anyone who is in computer science background and wants to get into finance. That's it. Bye-bye.